हेलो फ्रेंड्स जय माता दी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग आई होप सब लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कपड़े वॉश बिना वॉशिंग मशीन के कैसे करती हूं और लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि मैं कपड़े धोने कहां गई थी इस वीडियो को पूरा वॉच करना और स्किप मत करना और फुल देखना कि लास्ट में आपको कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी वीडियो में कि मैं कपड़े धोने कहाँ जाती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक टब ले लिया है उसमें गर्म पानी मैंने डाल दिया है क्योंकि ठंडियों के दिन है तो गर्म पानी में कपड़े इस तरीके से डाल दिए हैं और उसमें मैंने निरमा पाउडर भी डाल दिया है और यहाँ पर मैं अब कपड़े ऐड करूँगी इसमें पानी गर्म है क्योंकि ठंडियों का टाइम है और गर्म पानी में कपड़े डालो तो जल्दी से साफ हो जाते हैं ये इस तरीके से मैंने एक टप कपड़े भिगा दिए हैं और इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी आधे घंटे बाद फिर मैं इन कपड़ों को जिनको ज़रूरत होगी साबुन लगाने की उनमें साबुन लगाऊंगी और जिनको ज़रूरत नहीं होगी उनको मैं इसी तरीके से मल कर बाहर निकाल दूँगी ये देखिए आधा घंटा हो चुका है मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ और मैंने स्वेटर उतार दिए है क्योंकि स्वेटर से कपड़े वॉश करने में प्रॉब्लम होती है हाथ के बाजू जो है गीले हो जाते हैं यहाँ पर मैं साबुन और ब्रश लेकर आ चुकी हूँ ये देखिए इस तरीके से और यहाँ पर अब मैं अपने कपड़े वॉश करूँगी जिनको साबुन की ज़रूरत होगी उनमें साबुन लगाऊँगी और ये देखिए इस तरीके से मैं एक बार इनको पैरों से मसल देती हूँ क्योंकि पानी थोड़ा अभी गुनगुना ही था तो इस तरीके से पैरों से मसल देती हूँ सारा मैल जो है इनका निकल जाएगा ज़्यादा गंदे तो नहीं थे पर फिर भी आपको पता ही है कि वलन के कपड़े हैं थोड़ा गंदे हो ही जाते हैं और ठंडियों का टाइम है ये देखिए यहाँ पर मैंने फुटमेट रख लिया है नीचे से फुटमेट के ऊपर जिनको साबुन की ज़रूरत होगी उसमें मैं साबुन लगाऊंगी और जिनको नहीं होगी उनको मैं इसी तरीके से मल दूंगी इसमें डेली यूज़ में आपको पता ही है आजकल ना हो तो डेली यूज़ में चार से पांच कपड़े तो निकल ही जाते हैं एक बंदे के चार से पांच कपड़े निकल जाते हैं तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके से कपड़े वॉश करूँ और आपको दिक्कत शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से हाथ से कपड़े वॉश करती हूँ इस तरीके से साफ कर लूँगी क्योंकि गर्म पानी में आधे घंटे तक भिगो दिए थे तो मैल तो इनका निकल ही चुका है ज़्यादा गंदे ये थे नहीं डेली यूज़ में कपड़े जब डेली धो नहाने के बाद तो इतने गंदे नहीं होते हैं ये मैं पिलो कवर भी निकाल के ला गई थी वो भी मैंने कहा धो लेती हूँ और लास्ट में देखना कि मैं कपड़े धोने के लिए कहाँ जाती हूँ तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपने कपड़े धोने कहाँ जाती हूँ तो ये देखिए जिनको ज़रूरत है उ, साबुन की उनमें साबुन लगा रही हूँ और जिनको जरूरत नहीं है उनको इसी तरीके से हाथ से मसल दूंगी ये स्वेटर है इसको भी मैं इसी तरीके से मसल दूंगी गर्म पानी में डाले थे आप भी आजकल गर्म पानी में कपड़े डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दो इसी तरीके से तो कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं और कपड़े धोते समय स्वेटर निकाल दी है मैंने क्योंकि बाजू जो है गीले हो जाते हैं उसके बाद फिर ठंड लगती है तो कपड़े निकाल काम करते समय मैं अक्सर स्वेटर निकाल देती हूँ और उसके बाद ही पहनती हूँ जब काम कंप्लीट हो जाता है ये भी मेरी फुटमैट है ये मैं हाथ से बनाई थी मैंने ये फुटमैट और जो नीचे आपको बिछी हुई दिख रही है ये भी फुटमैट है इसको भी मैंने हाथ से ही बनाया है इसको भी मैं वॉश कर लूँगी बस अब लास्ट यही रह गई है मेरी इसको भी मैं अच्छे से ब्रूस से घिस लेती हूँ ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं साबुन भी लगा दूँगी इसमें और इसको ब्रूस से घिस लूँगी फुट मैट भी साफ़ हो जाती हैं ये देखिए इस तरीके से धोई तो थी मैंने दस से पंद्रह दिन पहले पर अभी मैंने इसके नीचे बिछा दी थी और इसको साफ़ कर दिया था इसको मैं अच्छी तरीके से धो लेती हूँ ये देखिए साफ़ हो गई है गर्म पानी में डालने के बाद और एक बार मैं इसको पैरों से इस तरीके से मसल देती हूँ ये देखिए इस तरीके से इससे थोड़ा जो बचा कुचा मैल होगा वो भी निकल जाएगा क्योंकि फुटमैट तो गंदी हो ही जाती हैं और ये वॉशरूम के बाहर की फुट मैट है जहाँ पर अक्सर हम गीले पैरों को पोसते हैं तो एक मेरी वॉशरूम के बाहर रहती है फुटमैट ताकि गीले पैर अंदर को ना जाएं और बाकी फुटमैट जो है डोर के आगे रहती हैं और डोरों के आगे और दरवाजों के आगे ये देखिए ये भी साफ़ हो चुकी है दूसरी वाली मेरी किचन की फुटमैट है हाथ से बनाई हुई फ़ुटमैट है मेरी ये अब मैं ये सारे कपड़े एक बॉकेट में भर दूंगी ये देखिए इस तरीके से बकेट में मैंने भर दिए हैं और इनको वॉश करने में कहा जाऊँगी तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना और वैसा ही कमेंट करना जैसा आप वीडियो देखेंगे और यहाँ पर अब मैं जो है स्लीपर लेकर आ गई हूँ ये टॉयलेट स्लीपर है इनको भी वॉश कर देती हूँ ये देखिए इनको भी मैंने वॉश कर दिया है टॉयलेट स्लीपर भी वॉश करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि साफ़ सफ़ाई रहती है तो अच्छा लगता है और यहाँ पर मैं जूते ले आई हूँ इनको भी नीचे नीचे से साफ़ करूँगी अंदर नहीं धोंगी क्योंकि फिर सूखने में टाइम लगेगा इसलिए बाहर बाहर से इनको साफ़ कर देती हूँ इस तरीके से ये भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब साबुन ब्रश और जूते जो है सब संभाल देती साइड कर देती हूँ और अब ये जो बाथरूम है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी पूरे बाथरूम को मैं साफ कर लूँगी और यहाँ पर नीचे टाइल थी तो उस पर थोड़ा गंदगी सी हो रही थी पैर रख पड़ते रहते हैं वाइट कलर की टाइल है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ ही ये टाइल को भी घिस लेती हूँ यहाँ पर तो टाइल को भी मैं जो है बुरू से घिस लेती हूँ साफ़ हो जाएगी जिससे और टाइल मैंने साफ कर दी है अब मैं बाथरूम को साफ कर लूँगी अपने पूरे बाथरूम में पानी डाल लूँगी इस तरीके से और वाइपर से जो है पूरे पानी को मैं निकाल लूंगी तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करना और कमेंट भी वीडियो के जैसा ही करना नाइस वीडियो और वेरी नाइस ब्यूटीफुल शेयरिंग लिखकर मत जाइएगा आपके वीडियो आपके कमेंट देखकर मुझे पता चल जाता है कि किसने फुल वॉच किया है आप फुल वॉच करोगे तो रिटर्न में आपको वही मिलेगा मैं भी आपकी वीडियो को फुल वॉच करूँगी और मैं करती भी हूँ फुल वॉच वीडियो वॉच करती हूँ और उसी तरीके का कमेंट भी करती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे बाथरूम को साफ कर लूँगी और आप देखिए मैं आपके आपको अपने साथ कहाँ लेकर चलती हूँ तो ये देखिए अब मैं आपको अपने साथ वहाँ लेकर चलूँगी जहाँ मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी कैटू भी आ चुकी है ये देखिए ये भी यहाँ पर बैठ चुकी है टेबल के ऊपर आई और ये टेबल के ऊपर चढ़ी और यहाँ पर बैठ गई है ये देखिए और अब चलिए मेरे साथ जहाँ मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए तो अब ये देखिए यहाँ पर ए, आंगन में एक बर्ड आई हुई थी उसकी भी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर दी है यहाँ पर ये देखिए और आप चलिए मेरे साथ ये देखिए मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ आज मैं कपड़े धोंगी इस बड़ी नहर पे ज़्यादातर हम कपड़े गर्मियों के टाइम में इसी में धोते हैं और कभी कभी तो नहा भी लेते हैं ये हमारे घर के आ गई नहर है आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कपड़े कहाँ वॉश करती हूँ तो आप बताना वीडियो में कि आपने आ, मुझे कपड़े वॉश करते समय कहाँ देखा ये नहर है मैं नहर में कपड़े वॉश करने के लिए आई हूँ और जब आप वीडियो को फुल वॉच करोगे तभी बता पाओगे कि मैं कपड़े धोने कहाँ आई थी इस तरीके से मैं बाल्टी को भी धो लेती हूँ और आज नहर में पानी कम है नहीं तो जहाँ तक आपको हरा हरा सा दिख रहा होगा वहाँ तक पानी आता है और आज पानी कम है तो ये देखिए इस तरीके से मैं कपड़े वॉश करती हूँ ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में तो हम यही आते हैं ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि कपड़े ऊपर से नीचे लाओ धोकर उसके बाद फिर नीचे से ऊपर ले जाओ और फिर उनको गर्मियों के टाइम तो ड्रायर नहीं करते हैं और आजकल तो ड्रायर करने की बहुत ज़रूरत होती है ये पूरी नहरें देखिए ऊपर से आई और भी आगे से आई हुई है और इसमें साफ़ पानी आता है यानी कि गंदा पानी आए और खेतों के लिए जाता है यहाँ पर कैटू जा रही है ये देखिए कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है पूरा दिन घूमते रहती है और यहाँ पर मेरे धुल रहे हैं कपड़े सारे कपड़े मैं इसी तरीके से धो लेती हूँ ये देखिए और यहाँ पर ये बस डालो इस तरीके से धो और निचोड़ो और बाल्टी में डालो उसके बाद कपड़े लेकर ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए हैं सारे अब मैं कपड़ों को बाल्टी में रख दूँगी और अब मैं नहर से बाहर आ जाऊँगी और अब मैं नहर से बाहर आ जाऊंगी यहाँ पर मैं मुँह धोने लग गई हूँ अपना पानी गुनगुना सा पानी आता है इसका बहुत ठंडा पानी नहीं होता है गुनगुना सा पानी होता है मुँह धो लिया है मैंने यहाँ पर और अब मैं नहर से बाहर आऊँगी ये देखिए इस तरीके से नहर से बाहर आ गई और अब मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ ऊपर फिर से एक बाल्टी कपड़े थे तो आज मैंने मशीन का यूज़ नहीं किया और आपको दिखाया मैंने कि मैं हाथ से कपड़े वॉश किस तरीके से करती हूँ ये मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े लेकर के और इन कपड़ों को आजकल वॉशिंग मशीन में थोड़ा सुखा लूँगी ड्रायर कर लूँगी क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है और कोहरा भी आ जा रहा है तो थोड़ा ड्रायर हो जाएंगे तो कपड़े अच्छे से वॉश सूख जाएंगे ये देखिए इस तरीके से मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और और यहाँ पर मैं मशीन का बटन ऑन कर दूँगी और बस थोड़ा सा जो है इनका पानी निकाल लूँगी ताकि कपड़े जल्दी से सूख जाए और hey guys, come with me. तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ऊपर सीढ़ियों में छत पे और कपड़ों को मैं यहाँ सुखा लूँगी तो ये देखिए मैं छत पे आ चुकी हूँ और मेरे पीछे से ये मेरा भतीजा है ये भी आ चुका है और अभी एक और आएगा मेरे दो भतीजे हैं एक ये है और एक और अभी और आएगा पीछे से देखिए कितनी मस्ती कर रहा है और मैं कपड़े डाल लूँगी ये भी अभी मेरी हेल्प करेंगे कपड़े सुखाने डालने के लिए ये एक देगा अभी एक और आ जाता है पीछे से वो छोटा है और ये बड़ा वाला है ये देखिए इस तरीके से और ये देखिए दूसरा भी आ चुका है और ये यहाँ से नीचे को कुछ देख रहा है और हम फटाफट से कपड़े डाल लेंगे नहीं, ये दो बंदर मेरे आ चुके हैं हार्दिक भट्ट और सार्थक भट्ट ये दोनों मेरे भतीजे हैं से हाय हाय बोलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू थैंक यू फॉर वॉच